गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में आयोजित राष्ट्रीय योग शिविर के छठवें दिन भारतीय संस्कृति में योग अध्यात्म एवं शिक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जौनपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, कटक उड़ीसा से आए महेंद्र शिवनाथ, योगाचार्य इंद्रजीत यादव, डॉक्टर राजन शाही सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महंत दिग्विजय नाथ चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति में योग आध्यात्मिक एवं शिक्षा विषय पर अपने विचार रखे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग सामान्य जीवन को संतुलित बनाए रखने का काम करता है, जिसे भारत के हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग को लेकर आज एक साथ दुनिया के 192 देश के लोगों ने योग को स्वीकारा है, जो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने कहा का माल्यार्पण उनका स्वागत करने का कष्ट है। मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बात है कि आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर
सुमेर महाराज जी का मार्गदर्शन तथा उनका आशीर्वाद मिले। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का ऐसे अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबको ज्ञान है कि योग विद्या के वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की का नाम कीर्तन गोरखपुर है और जो पवित्र भूमि गोरखपुर की पवित्र भूमि वह स्थान है जहाँ से विश्व के संबंध में योग ज्ञान जो उसका प्रकाश उसकी ऊर्जा और उसकी जीवन शक्ति मिली। ऐसे कुछ अवसर पर जब लोग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, मैं कुछ बातें कर रहूँगा। मनुष्य क्या है ये कल्पना हमारे दिमाग में बात आती है। मनुष्य क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है मनुष्य केवल वह नहीं मिलता है, केवल शरीर ही मनुष्य नहीं है। गीता में भी इसे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियाणि प्राणयो इंद्रियेण परमनो मनसत्तु प्राणो बुद्धि बुद्धे प्रत्यक्षः। यानी जब शरीर जिसमें इंद्रिया है, शरीर से ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। शरीर मन बुद्धि और आत्मा तीनों का एकात्म रूप बताया गया है, यही मनुष्य है। घोड़े है, मन उसका लगाम है, बुद्धि इसकी साक्षी है और इस पर आत्मा बैठा है। आत्मा के नियंत्रण में बुद्धि, बुद्धि बुद्धि माने साक्षी, साक्षी के नियंत्रण में लगाम आने मन और मन के नियंत्रण में इंद्रिया, ऐसा होना चाहिए। हम लोग सामान्य प्यार शारीरिक स्वास्थ्य बारे में बात करते हैं, हम डॉक्टर पर जाते हैं, हमारे शरीर की यह बीमारी है, हम किसी की चिंता करते जाते हैं। केवल शरीर के स्वस्थ होने से मनुष्य स्वस्थ नहीं माना जाएगा, चारों का एकाद स्वरूप मनुष्य, शरीर मन बुद्धि और आत्मा, इसके स्वस्थ शक्ति वही माना जाएगा इसका शरीर स्वस्थ हो, मन संस्कारित हो, अच्छे संस्कार हो, बुद्धि प्रखर हो और आत्मा का हो। कैसे होगा इसका एकमात्र योगदान जो भारतवर्ष में दिया गया है उसको योग विद्या के माना। योग विद्या कैसी विद्या है, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी संस्कारित होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा जागृत होती है। इसीलिए आज सारा का सारा विश्व भारतवर्ष को देख रहा है कि कैसे विश्व से तनाव दूर हो, कैसे हम एक ऐसे समाज में रहे जो तनाव मुक्त हो, सारे दुर्भस्तों से मुक्त हो और लोग भारत को देख रहे हैं। और इसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मान्यता दी गई है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षक का इशारा है, शिक्षा भी केवल वही शिक्षा नहीं है जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं, वो भी शिक्षा अपूर्ण है, अपर्याप्त है। शिक्षा के भी पांच आयाम है, शारीरिक शिक्षा उनका शरीर स्वस्थ हो, उसके बाद मौलिक शिक्षा बुद्धि को विषय बना दे, विज्ञान बनाने की आता है, विज्ञान ग्रंथ क्या नहीं। इसके अलावा भावनात्मक शिक्षा जो मनुष्य की भावनाओं को और उसके अंदर मन के संस्कारों को पवित्र बना देता है, इसके लिए अच्छे साहित्य हैं और इसके लिए मानवीय के अच्छे अनेक विषय हैं जो मनुष्य के मन को संस्कारित करते हैं। और इसके बाद में आध्यात्मिक शिक्षा जो आत्मा को प्रकट करते हैं। बिना इन चारों प्रकार की शिक्षाओं के और एक होता है पांचवी शिक्षा होती है मनोवैज्ञानिक शिक्षा जो मन और बुद्धि के अंदर सर्वता। बिना इन पांचों प्रकार की शिक्षाओं के सभी संस्थाओं में इन पांचों प्रकार की शिक्षाओं पर जोर दिया जाना चाहिए और तभी कोई शिक्षा पूर्ण मान जाए। हम ऐसे अवसर पर महाराज जी आपका हम अभिनंदन करते हैं
हर्ष की बात है कि हमारे कार्यकर्ता भी कार्यक्रम होते हुए भी इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया और ऐसे ही आपका हमें आगे मार्गदर्शन मिलना चाहेगा इस सबको के साथ में हमारी तुलना शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रोफेसर डी के सिंह प्रोफेसर विनोद सोलंकी शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह अधिष्ठात्री आप कुशल साधक हैं आपको मार्गदर्शन के लिए सादर निवेदन करता हूँ अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा गौरव पीठाधीश्वर माननीय जोगी जी महाराज गौरव पीठ की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है मैं हर साल आता हूँ आसाम त्रिपुरा उड़ीसा बंगाल से कुछ साधकों को ले आता हूँ साथ में इस साल त्रिपुरा से 16 आदमी आए हैं शिविर में हैं केवल खूब प्रभावित हुए हैं यहाँ के आयोजन यहाँ के रहने का व्यवस्था खाने का व्यवस्था यहाँ का योग ट्रेनिंग का व्यवस्था देख करके ये त्रिपुरा के लोग बहुत प्रभावित हुए हैं महाराज जी गए थे त्रिपुरा इलेक्शन समय त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ था उस समय ये लड़के लोग सब महाराज का प्रोग्राम जहाँ जहाँ हुआ ये सब आयोजन किए थे तो योग क्षेत्र में दो महापुरुष मिलते हैं एक महर्षि पतंजलि दूसरा महाजोगी गोरखनाथ आचार्य रजनीश ने कहा महाजोगी गोरखनाथ योग साधना में इतना गहरा तक चला गया इतना गहीरतम प्रदेश को चला गया आज तक कोई संत कोई साधक इतना गहरा तक गए नहीं दूसरा योग साधना में योग मार्ग में जितना पट था जितना प्रतिबंधक था गोरखनाथ जी सब प्रतिबंधक हटा दिया और दुनिया में जितने प्रकार के योग था गोरखनाथ जी सब योग अभ्यास किया हठ योग राजयोग मंत्र योग लय योग इत्यादि इत्यादि गोरखनाथ जी ने अभ्यास किया गोरखनाथ का जो ये भी गोरखनाथ का जो मार्ग है ये सिद्धांत मार्ग है सिद्ध मार्ग है सिद्ध मत है महाजोगी गोरखनाथ जी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा है तस्मात् सिद्ध मतम स्वभाव समयम धीर सदा संत रहते धीर धीर मीन्स पंडित गण ज्ञानी गण ये सिद्ध मत को आश्रय करते हैं सिद्ध मत श्रेष्ठ मत है श्रेष्ठ मार्ग है सरल मार्ग है ये सिद्ध मत जो है इससे शारीरिक स्वस्थता मानसिक शांति आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होती है ये सिद्ध मत जो है इसमें चार प्रकार के योग है चार प्रकार के योग मंत्र योग लय योग हठ योग और राजयोग ये चार प्रकार के योग हैं दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं गोरखनाथ जी इसको चार प्रकार के चार विभाग में विभक्त किया है पहला मंत्र योग से मन जिस मंत्र जप करने से मन लय होता है वह मंत्र योग है जो शब्द और नादानुसंधान से मन लय होता है इसका नाम लय योग या नाद योग प्राणायाम से मन लय करने से ये हठ योग है ध्यान धारणा से मन लय होने से राजयोग हो जाता है तो गोरखनाथ जी ने पहले कहा ये मंत्र योग मंत्र तो अनेक मंत्र है लेकिन ऐसे जो मंत्र है गोरखनाथ जी ने जो कहा मंत्र हम जप करते नहीं है लेकिन हमारे अंदर जप चलता है ये अजबा जप है जिसको जप करते नहीं है लेकिन जप चल रहा है हमको पता नहीं है जप चल रहा है अंदर अंदर जप चल रहा है ये जप होते हैं अजबा जप अजबा जप कैसा न हकारी न बहिर्जाति सकारी न विषत्पुण हंसम हंसम कहूं मंत्र जीवो जपति सर्वदा हकारी न बहिर्जाति श्वास बाहर जाने से हर होता है श्वास अंदर जाने से स होता है हंसम हंसम कहूं मंत्र जीवो जपति सर्वदा जीवात्मा सब समय यही मंत्र जप कर रहा है
ये हंस जब करते करते सोहम हो जाता है, हंस सोहम, हंस सोहम, सोहम अर्थात सह अहम, आई एम दैट, आई एम नॉट दिस बॉडी नॉट दिस माइंड, आई एम दैट परमात्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ। जीव ब्रह्म का अद्वैत भाव आ जाता है, जीव ब्रह्म का ऐक्य भाव आता है, जीव ब्रह्म एक हो जाते हैं, ये अजब अजब करने से ये होता है। तो गोरखनाथ जी ने कहा सरसतानी दिवारात्रो सहस्राणी गमिष्यति हंसम हंसम तमु मंत्र जीवो जपति सर्वदा। दिवा रात्रि 24 घंटा, 24 घंटे के अंदर 21,600 बार ये अजबा मंत्र चलता है, 21,600 बार श्वास क्रिया चलती है, 21,600 बार ये अजबा जप चलती है। निद्रा अवस्था में अजबा चलता है और स्वप्न में जागृत में अजबा चल रहा है, हमेशा अजबा चल रहा है। ये बच्चा जब मातृगर्भ में 10 मास 10 दिन रहता है उसी समय कोई अजबा मंत्र जप करता था, जब जन्म लिया और ये मिथ्या माया संसार में आया तो मंत्र भूल गया और गुरु मंत्र भूल गया, इसीलिए गुरु के पास जाते हैं मंत्र लेते हैं, गुरु कोई नया मंत्र नहीं देते हैं, वही मातृगर्भ मंत्र हंस सोह मंस सोह मंत्र देते हैं। ये हंस सोह मंत्र जप करते करते मन लय हो जाता है, समाधि प्राप्त होता है, इसलिए हंस साधन द्वारा मन लय होता है, इसको बोलते मंत्र योग। गोरखनाथ का जो मंत्र योग है ये योग है, मंत्र योग द्वारा मन लय होता है। दूसरा लय योग नादानुसंधान, हमारे शरीर में ओंकार ध्वनि हमेशा होती है, ओंकार ध्वनि हमको पता नहीं है, जब योगी ध्यान में बैठता है पद्मासन सिद्धासन स्वस्तिकासन समासन ये 4 आसन ध्यानात्मक आसन है, ध्यानात्मक आसन में बैठता है योगी तो अंदर में शब्द सुनता है ओंकार ध्वनि, इसको बोलते हैं अनाहत ध्वनि। ये अनाहत ध्वनि श्रवण करते करते मन लय हो जाता है, मंत्र जप करते करते मन लय होता है, अनाहत ध्वनि श्रवण करते करते मन लय हो जाता है, इसका नाम नाद योग। और तीसरा हट योग, अवकार्य हट योग, अवकार विद्युत सूर्य थकार चंद्र उच्चते चंद्र सूर्य में सतोकार हट योग निवृत्ति, अवकार सूर्य अवकार सूर्य नाड़ी अवकार चंद्र नाड़ी, जो सूर्य और चंद्र नाड़ी में जो प्राण और अपान वायु प्रवाहित होता है ये दोनों को मिलाना, प्राण और अपान को मिलाना, हीड़ा और गंगा को मिलाना, गंगा और जमुना को मिलाना, जीवात्मा परमात्मा को मिलाना, शिव और शक्ति को मिलाना, ये हट योग है। वायु जैसे चंचल है अस्थिर है, मेरा मन इसी तरह चंचल और अस्थिर है, हे कृष्ण कोई उपाय बताइए मन को स्थिर करने के लिए। भगवान तो प्रियते अभ्यास और वैराग्य, अनाशक्त जीवन यापन करना और बार बार अभ्यास करना। बता दें श्री महंत श्रीनाथ जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अमरनाथ प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, अमरनाथ प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमथनाथ मिश्र जी, महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान के योग प्रशिक्षक श्री चंद्रजीत यादव जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजशरण शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य आचार्यगण, उपस्थित महानुभव, कल की सुकून है और भारत के इस प्राचीन ऋषि प्रसाद के साथ दुनिया के 192 देश योग के साथ भारत की इस प्राचीन रसद को आत्मसात करते हुए दिखाई देंगे।
हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सबके जीवन में योग के माध्यम से एक नई खुशहाली है, एक नयापन देखने को मिले और आपका स्वयं का जीवन योग में हो, मैं इस बात की शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। आप सब जानते हैं कि भारत में हर एक व्यक्ति ने योग को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। भारत के लिए योग शब्द कोई नया शब्द नहीं है, उसकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है। कहीं पर योग कर्मसु कौशलम के नाम पर कर्म की कुशलता कोई योग माना गया हो, कहीं में योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग माना गया हो, या कहीं संयोग योग व्यक्तित्व जीवात्मा और परमात्माओं के रूप में जीवात्मा और परमात्मा के योग को ही योग के रूप में हमने एक परिभाषा के रूप में भले ही परिभाषित करने का प्रयास किया हो, लेकिन सामान्य जीवन में अगर आप देखें तो योग का मतलब जीवन में संतुलन बनाना, जिस कला के माध्यम से, जिस स्थिति के माध्यम से, जिन मार्गों के माध्यम से और जिन कारणों से आपके जीवन में संतुलन आ जाए, वह अपने आप में एक योग है। और जीवन के संतुलन के रहस्य को हम सब को किसी ने दिया तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने। योग की आदि परंपरा भगवान शिव से चलती है और ऋषि परंपरा ने इसे आगे उठाया और आज दुनिया के अंदर भारत की इस प्राचीन योग की विधा को स्थापित करने और दुनिया भारत की इस प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके, इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो आज के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिनके कारण आज 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हुई है। और इस दिवस को न केवल यूएनओ के द्वारा बल्कि दुनिया के लगभग 192 देश भारत की इस प्राचीन योग की परंपरा को आज आत्मसात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साथ दुनिया के 192 देशों का योग के पीछे जाना कहीं ना कहीं योग को उन संकीर्णताओं के साथ बाहर निकुंज से संकीर्णताओं से बाहर निकालने जिनके बारे में अक्सर आप सुनते रहे होंगे कि हम आसन नहीं करेंगे, हम योग की पुरानी क्रिया को नहीं करेंगे, लेकिन आज दुनिया के 192 देशों ने इस बारे में योग के इस मूल को स्वीकार करके, योग के इस मूल तत्व को स्वीकार करके इस बात को साबित किया है कि भारत की परंपरा सांप्रदायिक नहीं हो सकती, भारत की परंपरा मानवतावादी है, भारत की परंपरा दुनिया को एक नया मार्ग दिखाने वाली परंपरा है। और योग की इस परंपरा को जब दुनिया आत्मसात करते हुए दिखाई दे रही है, ये मानवता का वो स्वरूप योग के माध्यम से दुनिया के सामने देखने को हम सबको प्राप्त हुआ है। कल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर 21 जून का ही दिन क्यों योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति जो इस भीषण गर्
रहा है अपने आप में किसी योगी से कम तो नहीं है, क्योंकि यही तो रहस्य है इस आयोजन के पीछे। प्रकृति की इस ऊर्जा को हम अपने अंदर आत्मसात कर सके और इस ऊर्जा को लोक कल्याण के मार्ग में लगा सके, इस ऊर्जा को हम पहचान सके। लोगों ने अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया हो, लेकिन भौतिक आवश्यकता के साथ साथ हम आध्यात्मिक रूप से भी इस ऊर्जा को आत्मसात कर सकें, इस दिशा 21 जून की तिथि एक प्रशस्त तिथि है और 21 जून की तिथि को हम लोगों ने उस रूप में स्वीकार करके, युवाओं ने इसको स्वीकार करके दुनिया के अंदर साबित किया है कि भारत के अध्यात्म के बगैर दुनिया में विश्व शांति या विश्व कल्याण के मार्ग को और कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। और आज ये दिवस 21 जून के रूप में हम सब के सामने आया है। योग के बारे में अनेक बातें सामने आती हैं, लेकिन मूल रूप से योग का जो उद्देश्य है वह जीवन में संतुलन बनाना। आप देखते होंगे आखिर जब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में योग के अलग अलग आयाम दिए तो उन्होंने कहां से प्रारंभ किया? यम से उन्होंने शुरू किया, यम और नियम से प्रारंभ किया। यानी यम और नियम सामान्य जीवन में है क्या? यानी हम सामान्य जीवन में आंतरिक और बाह्य शुद्धि का ध्यान रखें, जीवन के जिनके कारण हमें बाह्य और आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती हो वह योग की भूमिका हमारे लिए तैयार करती है। और शेष जो 6 अन्य आयाम हैं आसन से लेकर के समाधि तक के, उसकी करने पर आगे बढ़ने की, जैसे मानव जीवन को आगे बढ़ने की कर्मिक श्रेणियां होती हैं, यह भी उसी की कर्मिक श्रेणी बड़ा है। गोरखनाथ जी ने भी जब हठ योग के माध्यम से, योग के माध्यम से हम स्वयं के जीवन में संतुलन कैसे ला सकते हैं, तो उन्होंने इस बारे में कहा कि जो योगी है स्वाभाविक रूप से आंतरिक और बाह्य शुद्धि को वह स्वतस्फूर्त भाव के साथ रखता होगा, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अगर उसके सामने कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उसके लिए उन्होंने शोधन शब्द दिया है। शोधन के लिए उन्होंने 6 कर्म दिए, धोती बस्ती नेति नौली प्राणक और कपाल। इन 6 कर्मों के माध्यम से हम शोधन की क्रियाओं को हर देश सरकार हर परिस्थिति में हम किसी भी प्रकार की उन बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं जिनके कारण कभी आप देखते होंगे मौसम बदलता है, किसी को वायरल होता है, किसी को सर्दी जुकाम होता है, किसी को अन्य बीमारियां पकड़ती हैं। उन्होंने कहा इसे बचना है तो शोधन का ध्यान रखना पड़ेगा। शोधन की क्रियाओं को धोती बस्ती नेति नौली प्राकर के कपाल भांति जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का अगर हम नियमित अभ्यास करते रहे तो शरीर हमारा शुद्ध रहेगा और एक शुद्ध शरीर कभी भी किसी देश काल परिस्थिति के कारण किसी भी प्रकार के रोग शोक किसी भी अन्य संताप के पीड़ित नहीं हो सकता। और इसलिए जब योग में उन्होंने साधन देने थे तो उन्होंने कहा कि योग के तो 7 साधन हैं, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम चलागमम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च तटस्थम सप्त साधन। यानी इस शरीर के 7 साधन उन्होंने बताए। शोधन से शुरू किया, शोधन में 6 जो क्रियाएं उन्होंने बताई, बाकी दृढ़ता से लेकर के और समाधि तक की जो स्थिति है ये कर्म फिर उसी रूप में आते हैं। दृढ़ता आसन के माध्यम से होंगी, फिर प्राणायाम आ जाएगा, फिर धारणा आ जाएगी, ये क्रियाएं उसी रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी एक साथ
लक्ष्य क्या है, हम समाधि की उस स्थिति को पहुंच सकें जहां पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना माना गया है। एक योगी के लिए एक ऐसी स्थिति जहां पर उसके लिए कुछ भी असंभव न हो, उस स्थिति को प्राप्त करना। और शिक्षा के उद्देश्य को जब आप सामने रखते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य को किस रूप में रखा आपने? सा विद्या या विद्या क्या है जो हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करने का मार्ग बता सके, हमारे जीवन में हमें बंधनों से मुक्त कर सके, हमारे जीवन में संतुलन की एक कला सिखा सके, जीवन के जीने की अपनी एक कला होती है और जिसने जीवन को जीने की इस कला को सीख लिया उसने सब कुछ पा लिया। और जीवन को जीने की इसी कला का नाम ही योग है। और जीवन को इसी कला के माध्यम से आगे बढ़ाने की जिस व्यवस्था को हम लेकर के चलते हैं वही विद्या है जो हमारे जीवन में हर प्रकार के बंधन से हमें मुक्त करके। आप देखते होंगे एक बच्चा है स्कूल में जाता है, पहली क्लास में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करता है, वो अब उस बंधन से मुक्त हुआ, अगली क्लास में चला गया, अगली क्लास में अपने बंधन से मुक्त हुआ, उसे अगली क्लास में चढ़ता हुआ वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। एक समय के बाद शिक्षा के बंधन से मुक्त होकर के फिर वह अपने गृहस्थ जीवन में या अपने जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, फिर उससे मुक्त होकर के वह अपने आगे के जीवन में आगे बढ़ता है। ये जीवन के क्रमिक विकास और जीवन को आगे बढ़ाने की एक कला है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के सहायक बनकर के हम जीवन को क्रमिक रूप से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं यह उसी का नाम है। और इसीलिए योग के बारे में भी अंत में यही कहा है, हमारे श्रुति ने यही कहा है कि न तस्य लोभो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगार्थी मयम शरीरम। यानी एक योगार्थीमय शरीर किसी एक साधक को प्राप्त हो जाए या उसने ऐसा अपने को योग की परंपरा के साथ जोड़ा है, स्वाभाविक रूप से वहां न जरा है न बुढ़ापा है न मृत्यु है, वहां पर इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। यह किसके लिए है? जिसने जीवन को संतुलन के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, जिसके जीवन में संतुलन नहीं, जिसके जीवन में राग और द्वेष ने स्थान बना लिया, जिसने अपने जीवन को परस्पर विरोधाभासों से भर दिया, स्वाभाविक रूप से वह विरोधाभास ही तो उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट है। जिसके जीवन में संतुलन नहीं वह जीवन का विरोधाभास ही उसके लिए सबसे बड़ा संकट है। और इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से जीवन के उन सभी संकटों से मुक्त होते हुए हम दिखाई देंगे जिनसे अक्सर हम भयभीत होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा मानसिंहनाथ जी बोल रहे थे कि गोरखनाथ जी ने गोरखवाणी में क्या कहा, मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। क्योंकि व्यक्ति हमेशा किससे डरता है? वह डरता है मौत से। ये जानते हुए कि अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है, जीव ने जन्म लिया है तो मौत भी सुनिश्चित है, लेकिन तब भी वह उससे डरता है, भयभीत होता है, क्योंकि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक छात्र अगर उसने जीवन में मेहनत किया, अपने कक्षा में मेहनत किया है तो अब फेल होने से डरेगा नहीं, लेकिन फेल होने से कौन डरता है? जिसने अपने पाठ्यक्रम को समय से तैयारी नहीं की होगी वह उससे डरेगा, भयभीत होगा, भयाक्रांत होगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा और जीवन प्लान का नाम नहीं हो सकता है। भारतीय परंपरा ने जीवन को प्लान का नाम नहीं माना है, जीवन को प्लान नहीं माना है। और मुझे लगता है जिस दिन
हम सब भी अपने जीवन को इन चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जीवन में परस्पर संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, आपस के जो विरोधाभासी तत्व हैं इनके बीच में परस्पर संवाद बनाने का प्रयास करेंगे, तो जीवन का यह संतुलन आपको एक योगी के रूप में, एक साधक के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन में, आपके जीवन में वे मधुर कान अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए एक व्यक्ति, एक साधक अक्सर तरसता है और उस ओर बढ़ने की आवश्यकता है। योग की परंपराएं, आसन उसका एक अंग है, प्राणायाम उसका एक अंग है, अपने आप में एक नहीं, वो संपूर्ण नहीं है, लेकिन वे जीवन जीने की उस कर्मिक प्रयास का एक हिस्सा बन सकता है, वे एक सीढ़ी बन सकती है, मंजिल पे पहुंचने की एक सीढ़ी बन सकती है। हम उसे आत्मसात के स्वरूप में कर रहे हैं, मुझे लगता है वह आपको एक आधार दे सकता है, लेकिन वह अपने आप में संपूर्णता नहीं हो सकती। हमें उसको प्राप्त करने के लिए कर्मिक प्रयास करने पड़ेंगे, और कल का अवसर होगा, मैं आह्वान करूंगा, जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम पूरी दुनिया के अंदर हो रहे होंगे, अलग विषय है, हर देश में अलग अलग समय में हो रहे होंगे, भारत में एक समय है, शेष दुनिया के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होंगे, लेकिन उस समय प्रत्येक भारतवासी का यह दायित्व बनता है कि उस समय हम योग की इस परंपरा को आत्मसात करते हुए दुनिया के सामने साबित करेंगे कि हमें भारत की योग की परंपरा पर गौरव की अनुभूति है, और आज भारत की इस योग के प्रसाद को दुनिया अंगीकार कर रही है। स्वाभाविक रूप से यह भारत ही कर सकता है कि अपने ऋषि प्रसाद को हम पेटेंट कराने की बजाय सबके लिए सर्वसुलभ कर रहे हैं, हमने उसको अपने लिए ट्रेडमार्क नहीं बनाया, ये हमारा है तो हम इसके नाम पर जो कुछ भी होगा, जो मार्केटिंग होगी, ये हमारी होगी। हमने उसको इस रूप में नहीं कहा, हमने कहा कि लोक कल्याण का माध्यम है, योग लोक कल्याण का माध्यम है, व्यक्ति के कल्याण का माध्यम है, मनुष्य को देवत्व की स्थिति में पहुंचाने का एक सर्वोत्तम माध्यम है, और इसलिए अगर दुनिया इस देवत्व के मार्ग को स्वीकार करती है तो भारत इसका स्वागत करता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान, तो पिछले एक सप्ताह से, विगत कई वर्षों से यहाँ पर पूज्य महाराज जी के समय से ही गोरक्षपीठ और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 से हमने से साप्ताहिक रूप से इस अवसर पर किया है। ये कार्यक्रम पहले सितंबर अक्टूबर माह में होता था, इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़ करके साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, और यह कार्यक्रम आज भी निरंतर उस रूप में चलता है, और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष क्या हर वर्ष कभी असम से, कभी बंगाल से, कभी त्रिपुरा से, कभी देश के अन्य भागों से भी योग के प्रति जिज्ञासुगण इस अवसर पर उपस्थित होकर के योग की इस परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसके प्रचार प्रसार में अपने आप को लगाने का कार्य करते हैं। मैं उन सभी योग साधकों को जिन्होंने इस साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर में भागीदारी बन करके योग की परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य किया है, उन सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको कोटि कोटि बधाई देते हुए, अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वरिष्ठ सदस्य श्री प्रमथ नाथ मिश्र जी से अतिथियों के आभार ज्ञापन हेतु निवेदन करता हूँ। अपना समय दिया और व्याख्यान के माध्यम से एक प्रेरणादायी सीख दिया, जिसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आपके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। कटक उड़ीसा से पधारे महान शिवनाथ जी महाराज, जिन्होंने आज अपने उद्बोधन से और साप्ताहिक योग सत्र की अध्यक्षता
अवस्था में योग और साधना के अनुभवों से जीवन के एक नए आयाम की महत्ता को बताया है। मानव का शिक्षा परिषद आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है।